हेलो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है फाइंड इक्विवेलेंट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो ए और बी के बीच में हमें इक्विवेलेंट डिस्टेंस निकालना है। आप इस क्वेश्चन को किरचॉफ्स रूल से भी कर सकते हो, नोडल से भी कर सकते हो, लेकिन इसकी एक शॉर्टकट ट्रिक मैं बता रहा हूँ कि आप ऐसे क्वेश्चन को कि ये दोनों सेम हो, ये दोनों सेम हो, ये डिफरेंट हो, तो किस टाइप से शॉर्टकट लगा कर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो, ये आर वन है तो बाई सिमेट्री ये भी R1 मान लेते हैं, ये R2 है और ये भी R2 मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं हम R3। तो इसका जो शॉर्टकट फार्मूला है वो होगा R equivalent is equal to 2 into 1 by R1 into 1 by R2 and plus 1 by R2 into 1 by R3 and plus 1 by R3 into 1 by R1 divided by 1 upon R1 plus 1 upon R2 and plus 2 into 1 upon R3। तो देखो, सॉल्व करते हैं इसको। 2 into 1 upon R1 हमारे पास कितना है, 2। R2 कितना है, 4। 4 into 1 by 2 by 3 पुट करोगे तो 2 नीचे और 3 ऊपर चला जाएगा। ऐसे यहाँ पर 2 by 3 into 1 by 2 आ जाएगा। Now 1 upon R1 2, 1 upon R2 4 और 2 into यहाँ पर भी हमारे पास 3 by 2, यानी 2 by 3 पुट करेंगे तो ऊपर चला जाएगा 2 by 3। ठीक है, इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व कीजिए। यहाँ देखो, 2 से 2 कटेगा, ऊपर मैं 8 LCM ले लेता हूँ। ठीक है, तो देखो 4 से 8 2 बार जाएगा तो 2 प्लस 4 टू जा 8, यहाँ पर 3 बचेगा, 2 टू जा 4 यहाँ पर 6 बचेगा एंड डिवाइड बाय, यहाँ पर भी देखो 8 LCM ले लेते हैं। ठीक है, तो 2 से ये 4 बार और 4 से ये 2 बार एंड प्लस 2 से ये 4 बार और 6 4 जा 24 हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ से 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट 11 बाई 8 ऊपर से और इनको ऐड करेंगे तो 30 बाई 8 यहाँ से तो कट जाएगा 11 बाई 30 और R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी 30 बाई 11 ओम। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस का शॉर्टकट तरीका था। थैंक यू सो मच।